दर्जनों चुनावी सभाओं के बाद भी इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कोई बड़ी चुनावी कामयाबी नहीं मिल पाई, जबकि बिहार के ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी को बड़ा झटका देने में सफल रहे। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार के चुनावी नतीजों को देखें तो विपक्षी दलों को यहां केवल 9 सीटों पर जीत मिली, जबकि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं। बिहार में सीटों के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर के मुताबिक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर भी बीजेपी से अलग दिखते हैं। नीतीश अपनी समाजवादी और सेक्युलर इमेज बनाकर रखने में कामयाब रहे हैं। डीएम दिवाकर कहते हैं कि बिहार में तेजस्वी के कमजोर प्रदर्शन के पीछे पहली वजह नीतीश कुमार की ईबीसी और महिला वोट बैंक पर पकड़ दिखती है, तो वो ऐसी छवि बनाने में कामयाब रहे हैं कि किसी के साथ भी रहकर वो बिहार का विकास कर सकते हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी गठबंधन का मोर्चा संभाला था और अकेले दम पर पूरे विपक्ष के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य में यात्रा भी की थी। उनकी सभाओं में युवाओं की बड़ी भीड़ भी दिखती थी। इसके बावजूद भी तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि साल 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव में विपक्ष की जीत बड़ी नजर आती है। साल 2019 में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल की और राज्य की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कोई सीट नहीं जीत पाई थी और उसे महज 15% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के चुनाव में आरजेडी 4 सीटें जीतने में सफल रही और उसे 22% से ज्यादा वोट भी मिले हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी ने सबसे ज्यादा 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यही नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 9 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस भी 3 सीटें जीत गई और CPI-ML 3 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीतने में सफल रही। यानी विपक्ष के वोट का जितना फायदा कांग्रेस या CPI-ML को मिला, उतना फायदा तेजस्वी की पार्टी RJD को नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण का कहना है कि बिहार में विपक्ष के कमजोर प्रदर्शन के पीछे तेजस्वी का अकेले पड़ जाना भी एक वजह है। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव को किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिला, जबकि उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया। नचिकेता नारायण कहते हैं, चुनावी माहौल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल झारखंड पहुंच गए लेकिन बिहार नहीं आए। बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी बेहतर हो सकता था। साल 2014 के चुनाव में भी आरजेडी को महज 4 सीटों पर जीत मिली थी और पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुल पाया था। इस बार के चुनाव में भी बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा के पहले ही आरजेडी के कई उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया गया था। डीएम दिवाकर कहते हैं कि विपक्ष ने उम्मीदवारों के चयन में भी गलती की। मसलन झंझारपुर सीट से विपक्ष के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ थे, जिनका संबंध आरएसएस से रहा है, इसीलिए मुसलमानों ने विपक्ष को वोट ही नहीं दिया। यहां आरजेडी के विधायक गुलाब यादव बीएसपी से खड़े हो गए और यादवों का वोट बैंक भी बट गया। आरजेडी का बंटवारा और बेहतर तरीके से हो सकता था। इस मामले में बड़ा सवाल पूर्णिया सीट को लेकर उठा, जहां से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, लेकिन आरजेडी पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। आखिरकार पप्पू यादव ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय ही इस सीट पर जीत हासिल कर ली। इस सीट पर 2020 में हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा महज 20,000 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार ये सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली और यहां उसकी भी हार हुई। बिहार की मधुबनी सीट भी कांग्रेस को नहीं दी गई। यहां से कांग्रेस नेता शकील अहमद आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। तब शकील अहमद ने इस सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि आरजेडी समर्थित उम्मीदवार को काफी कम वोट मिले थे।